हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी जेम। तो आज आपके चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियो है आपका लासा और मासा निकालना। लासा और मासा आपको बहुत जगह काम आता है। अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है लासा और मासा निकालना। लेकिन अगर आप अभी 12th तक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो भिन्न हल करते हैं या कहीं पर भी आपको लासा हल करने के लिए बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो उस लासा को हम बेसिक तरीके से भी बताएंगे, कैसे बेसिक तरीके जो आपका ट्रेडिशनल तरीका होता है वो भी बताएंगे, साथ ही साथ जो आपका ट्रिकी तरीका होता है जो जिसके तरीके से आप हल कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा जब आप कोई भिन्न हल करेंगे तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं। और इसी तरीके कैलकुलेशन की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। दो प्लेलिस्ट, एक देख लेना कैलकुलेशन पछांदर की प्लेलिस्ट और एक देख लेना मैथ ट्रिकी सोल्यूशन। दोनों में बहुत सारी मैथ की और साइंस की न्यूमेरिकल को हल करने की बहुत सारी ट्रिकी सोल्यूशन उसमें है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। जैसे देखिए आपका मान लीजिए 8 है और उसके साथ साथ आपका 12 है, इसका हमें निकालना है लासा और मासा। तो आपको जो मैं ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ, जो आप 5, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे पहले भी, वो तरीका मैं बताता हूँ। जैसे देखिए इसको आप एक साथ निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। एक साथ निकालने का तरीका ये होता है, लासा निकालना है तो 2 चौका 8, 2 छंग 12 और 2 2 4 और 2 3 6 और 2 1 2 2 1, बस यही ख़त्म हो गया, क्योंकि इसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस लिए हमें हमेशा काटना होता है 2 से 3 से और उसके बाद 7 से, उसके बाद सॉरी 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से। आप यहाँ तक काटना ट्राई करिएगा हमेशा। कभी भी काटना हो तो आपको 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से काटिएगा, ट्राई करिए। इतने से आपका कट जाएगा, कोई भी संख्या होगी इतने से कट कर मानेगा। अगर इतने से नहीं काटती है तो अपने आप से काट दीजिएगा उस संख्या को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आप ये मत ट्राई करिएगा 4 से ट्राई करें, 6 से ट्राई करें, 8 से ट्राई करें, 9 से ट्राई करें, 10 से ट्राई करें, कोई ज़रूरत नहीं इसे ट्राई। आपको 2 से ट्राई करना है, 2 से ना कटे तो 3 से ट्राई करिए, 3 से ना कटे तो 5 से ट्राई करिए। इस तरीके देखिए 2 से ट्राई वही करिए जिसका आपका 2 का टेबल आता हो, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इस तरीके से अगर आता है तो 2 से ट्राई करिए, नहीं तब ट्राई मत करिए। 3 से ट्राई करिए तब जब उसको जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाता है अंक हो, जैसे 3 से ट्राई कब कीजिएगा, जैसे यहाँ पर 1 2 है तो 1 2 3 होता है, 1 2 3 होता है और 3 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, तभी ट्राई करिए। मतलब 2 संख्या को जोड़ लीजिए, अगर 3 से पहाड़ा चला जाता है तब 3 से ट्राई करिए, अन्यथा ट्राई मत कीजिए। तो ये 3 से भी मैंने बता दिया। अब 5 से वही ट्राई करिए, जब 3 से छूट जाए तब 5 से वही ट्राई कीजिए जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो तो वही आपको ट्राई करना है, ठीक है। 7 से ट्राई करने के बाद जो है अब बच रहा है तो आप 7 से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जब 5 से 3 से नहीं कट रहा है तो 7 से हो सकता है कटे, और 7 से भी अगर नहीं कट रहा है, देखिए जो विभाज्यता का नियम है, कटने वाला नियम ना, मैं वीडियो डाला हूँ विभाज्यता का नियम, 2 से 3 से 4 से 5 से पूरा 11 तक कटने का नियम मैंने डाला हूँ, वो वीडियो जरूर हमारे चैनल पर पड़ी हुई, देख लेना एक बार, आपको बहुत ही लाभ होगा। उसमें वीडियो पड़ी हुई है, आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया है कि कैसे 2 से कटता है, कैसे 3 से कटता है, कैसे 4 से करता है, क्या नियम होता है, सभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इस तरीके से काटना है। ये इसको आप अलग अलग तरीके से भी काटेंगे, 8 को अलग काटेंगे, 12 को अलग काटेंगे, अगल देखिए 2 चौका 8, 2 2 4 और 2 1 2, इसको काटेंगे 2 छंग 12 और 2 3 6 और 3 1 3, ये अलग अलग भी काट सकते हैं। तो अलग अलग अगर इसको हम काटेंगे तो हम इस तरीके से भी लिखेंगे। 8 का अगर हम निकालते हैं तो हमारा निकला था 2 गुड़े 2 और गुड़े 2 गुड़े 2। 12 का अगर हम निकालते हैं तो 12 का हमारा 2 गुड़े 2 गुड़े 3, ठीक है। अब इसको हम मासा निकालते हैं पहले। तो मासा किसे कहते हैं, मासा होता है जो आपका सबसे उसमें जो आपका HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो उसमें मतलब छोटा हो, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो इसमें हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल रहा है दोनों में, तो 2 मिल रहा है, फिर से 2 मिल रहा है, अब 3 नहीं मिल रहा है। हाई मतलब 2 अधिकतम 2 बार ही मिल रहा, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आपका HCF आ गया, मतलब 4। इसको HCF बोलते हैं। LCM को आप मासा और लासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं। इसका देखिए इसमें होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे कम जो मिलता है उसको भी लिखिए, जो न मिले या न मिले, मतलब ये 2 मिल रहा है इसको भी लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। ये 2 नहीं मिल रहा था इसको भी लिखिए और 3 नहीं मिल रहा था इसको भी लिखिए, और सभी का गुणा 2 2 4 2 8 3 24 कितना हो गया 24। तो HCF LCM इस तरीके से निकालते हैं, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो 5 के बाद आपका क्लास में होता है।
और एक मासा का तरीका इस तरीके से होता है, इसको आप इस तरीके से करेंगे, जो इसमें बड़ी संख्या होगी उसको अंदर करेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको बाहर करेंगे। तो आठ इक्कम आठ हो जाएगा, चार बचेगा, फिर इसको हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ भाग करेंगे उसको अंदर ले जाएंगे, तो चार दूना आठ कट गया, जो यहाँ लास्ट में जिससे कटता है वही आपका मासा आ जाता है, इसको हम मासा कहते हैं भाग बीस से। ये क्या है? मासा भाग बीस से, ठीक है। और एक इस बीस से है गुणनखंड बीस से, गुणनखंड बीस, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन का लासा विधि है, ये मासा है, ये मासा और लासा दोनों है। अब हम बताने वाले हैं कि मासा और लासा जल्दी से कैसे हम निकालें, जल्दी से, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं, देखिए हम दोनों बता रहे हैं। सबसे पहले मासा बताते हैं, उसके बाद लासा बताते हैं, ठीक है। देखिए मासा का मतलब हमें, यही देखना है कि सबसे कम ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो दोनों में टेबल जाता है, जिसका टेबल दोनों में गया हो। सबसे कम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मतलब टेबल इन दोनों में जाए लेकिन सबसे कम वही हो, उन सबसे मतलब बड़ी हो, उसमें हमारे कहने मतलब इन सबसे तो कम ही होगा लेकिन वो सबसे बड़ी हो। मासा HCF हाई कॉमन फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में ऐसा पहाड़ा होना चाहिए जो उसके बाद ऐसा कोई पहाड़ा ना आए कि दोनों में ना जाए। अंतर देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, इन दोनों में ऐसा कौन सा पहाड़ा है सबसे बड़ा पहाड़ा जो इन दोनों में चला जाए, तो देखिए हम पढ़ते हैं दो का, तो दो का दोनों में चला जाएगा लेकिन अभी ये तो छोटा है। दो के बाद चार देखते हैं, तीन देखते हैं, तीन का इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा तो मतलब नहीं। चार को देखते हैं, चार दूना आठ, चार तीन बारह जा रहा है, पाँच में अब जाएगा नहीं, छः में आठ खुद ही जा, क्योंकि कोई भी संख्या होती है तो उसकी आधी संख्या तक ही जाता है। अगर आपका 15 है तो 15 मतलब 7 तक उसको चेक करना है, उसके बाद चेक करना जरूरी नहीं क्योंकि उसके बाद तो आपको खुद उसी में आएगा आधे तक। तो इसमें हमें चार मिल रहा है, क्या मिल रहा है? चार। चार देखिए, चार का आपका पहाड़ा इसमें आठ में भी जा रहा है और बारह में जा रहा है, और चार से ऐसी कोई बड़ी संख्या है ही नहीं कि जिसका पहाड़ा इन दोनों में जाए, तो बस मासा आपका चार हो गया। देखिए समझते जाइएगा, ठीक है, ये बात समझ गए। तो उसके बाद लासा देखते हैं, अगर लासा देखते हैं हमारा क्या है, तो लासा हमें ये देखना है ऐसी कौन सी संख्या जो इन दोनों से सबसे पहले बने, पहली संख्या ऐसी कौन सी है, इसका मतलब ऐसी कौन सा संख्या जो इन दोनों का अगर हम टेबल पढ़ें तो पहले मिल जाए। बस अंतर देखिए, इसमें था कि इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या थी जिसका भाग पढ़े मतलब पहाड़ा पढ़े तो इन दोनों में आए, उसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना था, और इसमें अब ये बताना है ऐसी छोटी छोटी संख्या बताइए जिसका इन दोनों का पहाड़ा जाए, उल्टा है उसी का, इन दोनों का पहाड़ा जाए और वो सबसे छोटी हो, ठीक है। तो चलिए देखिए आठ, हमें ये चेक करना कैसे होता है, हमें जो बड़ी संख्या होती है उसी को ले ले और छोटी वाली का भाग उसमें पहाड़ा पड़े अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहाड़ा पड़ते हुए जाए। देखिए 12 में आपका आठ का पहाड़ा जाएगा, नहीं जाएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 12 दूना 24, 24 का पहाड़ा के आठ में जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 दूना 24 होगा, 24 पहाड़ा के आठ में जाएगा, आठ से जाएगा, हाँ आठ तिर 24 मतलब 24 इसका मासा हो गया, जब जिसमें पहाड़ा चला गया तो इसका मतलब वो लासा हो गया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई, दूसरा समझ में आएगा, चाहे जो भी हो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है 3 4 9, इसका हमें मासा और लासा निकालना है, 3 4 9 इसका मासा लासा हमें निकालना है। सबसे पहले मासा लिख देते हैं, उसके बाद लासा लिख देते हैं। इंग्लिश में आप इसका मतलब समझ सकते हैं, लासा का मतलब होता है LCM और मासा का मतलब होता है HCF, लिस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाई कॉमन फैक्टर, इस तरीके से समझते हैं। हमने बताया मासा, ध्यान दीजिएगा मासा क्या होता है, मासा हमने ये बताया कि जो ये तीनों संख्या हैं इन तीनों संख्या में ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। इंग्लिश से सीखने मासा, मासा का इंग्लिश में आपको HCF, एच से हाई कॉमन, हाई से आपका अधिक, ऐसी अधिक मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी कॉमन गिनती है, ऐसी कौन सी गिनती है जिसका इन तीनों में पहाड़ा जाए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए।
तो देखते हैं एक का सब में जाएगा, एक का सब में जाएगा। अगर कोई पहाड़ा ना जाए तो समझ लीजिए एक का जाएगा, याद रखना। किसी का पहाड़ा अगर नहीं जाता है तो एक का जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जाता है, एक से बड़ा दो होता है, तीन बहुत बड़ी होती है ना। अगर एक से बड़ा ऐसी कोई संख्या निकल जाए जिसका पहाड़ा इसमें जाए तो वो हो जाएगी। अगर कोई नहीं आएगा तो एक आएगा। देखिए हम देखते हैं एक का तो जाएगा ही, मैंने पहले मान लिया। तीन का पहाड़ा देखते हैं तो तीन में जाएगा पर चार में नहीं जाएगा। दो का पहाड़ा इन तीनों में जाएगा नहीं, तीन का नहीं जाएगा तो अब हम ले ही नहीं सकते क्योंकि तीन सबसे छोटी संख्या है। अगर हम चार लेंगे तो तीन में ही नहीं जाएगा। जो सबसे छोटी संख्या हो उसकी आधी गिनती तक हमें पहाड़ा लेना है, जो सबसे छोटी गिनती हो उसकी आधी गिनती तक हमें पहाड़ा लेना है। मतलब हमें तीन तक पहाड़ा नहीं लेना था, तीन के आधी गिनती तक ही पहाड़ा लेना था, तो उसी में पता चल जाता। लेकिन तीन तो छोटी है, तीन दो के बाद तीन ही आती है, तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारा एक मिलेगा। क्या मिलेगा? एक मिलेगा। तो इसका मासा कितना हो गया? एक हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें जो हमारा लासा निकल रहा है, लासा कैसे? लासा हमने बताया इन तीनों का पहाड़ा पढ़िए जो सबसे पहले लिस्ट मतलब कम, सबसे छोटी संख्या मिली, इनका पहाड़ा पढ़ना है। उल्टा है, अभी तक इसमें पहाड़ा पढ़ रहे थे इसकी, इन सब का, इन सब के अंदर अंदर आए, मासा होता था इसके अंदर, लेकिन जो लासा आएगा इसके बाहर। इन तीनों से ऐसी कौन सी संख्या बनेगी जो सबसे पहले हो, छोटी हो, ठीक है। जैसे हम तीन, तो हमने क्या बताया था, बड़ी बड़ी संख्या में पहाड़ा पढ़िए अगर चला जाएगा तो ठीक है। देखिए नौ में पहाड़ा पढ़ते हैं तो तीन तिरिक्का नौ चला जाता है, लेकिन चार पहाड़ा नौ में नहीं जाता है, तो मतलब ये नहीं होगा। नौ दुनिया अठारह पढ़ते हैं तो तीन का पहाड़ा चला जाएगा लेकिन चार पहाड़ा नहीं जाएगा। फिर नौ तिरिक सत्ताईस, सत्ताईस पहाड़ा चार से जाएगा नहीं। नौ त्रिशत नौ चौक छत्तीस देखते हैं, छत्तीस पहाड़ा तीन भारतीय हैं, छत्तीस इसका चला जा रहा है। चार नौ छत्तीस का मतलब छत्तीस इसका आशा है, कितना? छत्तीस, करेक्ट हो गया। ये आपका लासा इस तरीके से निकल गया। तो इसी तरीके से हमें अजमाना है और ट्राई करना है। देखिए मैं और तरीके बताता हूँ, मतलब और जल्दी से बताता हूँ। देखिए बोर यहाँ पर बारह है और यहाँ पर अठारह है, ठीक है, और यहाँ पर आपका बहत्तर है, ठीक है। अब हमें इसका लासा निकालना है और मासा निकालना है। मासा हमने क्या बोला, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिसका पहाड़ा इन तीनों में चला जाए, पहाड़ा इन तीनों में चला जाए। और लासा होता है इन तीनों का पहाड़ा जिसमें पहले जाए, उल्टा, बस उल्टा। क्या होता है उल्टा? मासा यही होता है कि इन तीनों में जिसका पहाड़ा चला जाए सबसे बड़ी से बड़ी वो संख्या बताइए। पर लासा वो होता है ऐसी तीन, ऐसी एक संख्या बताइए जिससे ये तीनों कट जाए और सबसे छोटी हो, सबसे छोटी हो और इन तीनों से कट जाए, बस ये अंतर। चलिए देखते हैं। तो हमें मासा चेक करना हो तो छोटी संख्या को देखना होगा, और जब लासा चेक करना हो तो बड़ी संख्या को उठाएंगे, याद रखना। मासा तो बारह, बारह हमें देखते हैं तो हमें दो से कटेगा, तो दो से कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। दो तो भी छोटी है, दो से बड़ी देखिए। तीन का पहाड़ा बारह में जाएगा, हाँ जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें। चार का देखते हैं, चार तीन बारह, अठारह में नहीं जाएगा। उसके बाद पाँच जाएगा नहीं। छः देखते हैं, छः दूना बारह, छत्री का अठारह, और छः का इसमें भी जाएगा, ठीक है। सात का देखते हैं, सात का बारह में नहीं जाएगा। आठ का देखते हैं, बारह में नहीं जाएगा। नौ का देखें, बारह अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने बोला जो छोटी संख्या है उसकी आधी संख्या का पहाड़ा तक पढ़िएगा। बारह का आधा होता है छः, और छः तक ही चेक करिए, अन्यथा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं छः तक चेक करता हूँ और छः से देखता हूँ तीनों में जाता है। छः दूना बारह, छत्री का अठारह, और छः एकम छः दूनी बारह, मतलब हमारा मासा छः आ रहा है क्योंकि छः कट पहाड़ा जा रहा है और सबसे बड़ी से बड़ी यही संख्या छः है जिससे तीनों कट जाएंगी, ठीक है। देख लेना यार, इससे आसान नहीं होगा, विश्वास मानिए आपको इससे आसान नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर देख लेना, नहीं मिलेगा। अब हम लासा निकालते हैं। लासा को देखा, लासा हमने बताया कि इन तीनों से हमें जो सबसे बड़ी संख्या, सारी सबसे छोटी संख्या पहले मिलेगी, तो इसको बताने के लिए मैं बोला था सबसे बड़ी संख्या को उठाइए और इसका पहाड़ा पढ़िए। बारह छः बहत्तर जा रहा है, अठारह दोनों छत्तीस, अठारह चौगन, अठारह चौक बहत्तर, अठारह का जा रहा है, मतलब तीनों का पहाड़ा बहत्तर में जा रहा है, तो यही बहत्तर लासा है। अगर बहत्तर में जाता तो बहत्तर दूना पहाड़ा पढ़ते, बहत्तर का टेबल पढ़ते जाते और तीनों से चेक करते चलते, मतलब दोनों से। तो इस तरीके से हो गया, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। ना समझ में आया हो तो फिर से मैं एक बार और ले लेता हूँ कोई संख्या। ये है आपका, ठीक है। पहले मासा चेक करना है, तो मासा हम चेक करते हैं। मासा कैसे चेक करेंगे बताइए, मासा हम कैसे चेक करेंगे? मासा हमने बताया है कि मासा चेक करना हो तो हमें छोटी संख्या को उठाइए और उसकी आधी गिनती तक पहाड़ा चेक कर लीजिए, तीनों में जिसका पहाड़ा चला जाएगा सबसे बड़ी संख्या वही होगी।
तो दो का पहाड़ा नौ में तो जाएगा नहीं, तीन का पहाड़ा नौ में जाएगा, 27 में जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो तीन का पहाड़ा जा रहा है, तीन के बाद हम चार देखेंगे, चार का नौ में नहीं जाएगा, पाँच देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि नौ का आधा चार साढ़े चार होगा, इससे बड़ा हम जाएंगे ही नहीं, नहीं तो नौ में ही नहीं जाएगा। आधी गिनती तक पहाड़ा जाता है किसी के पहाड़ा, उसकी गिनती के आधी गिनती तक पहाड़ा जाता नहीं, उसके बाद खुद उसी में जाता है। तो हमें चार तक देखना था, बस चार तक देखे, तो तीन जा रहा है, तीन तीन से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो तीन हमारा मासा हो गया, निकाल लीजिएगा आ जाएगा। अब हम लासा अगर निकालते हैं, लासा अगर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, लासा हमने बोला इन तीनों से जो सबसे पहले कटे संख्या, तीनों से जो कटे सबसे छोटी संख्या वही। तो देखिए हमने बोला था सबसे बड़ी वाली संख्या को चुनिएगा, इसमें मासा के लिए छोटी वाली संख्या चुनिए, लासा के लिए बड़ी वाली, बड़ी संख्या। 54 में देखिए नौ का पहाड़ा पढ़िए जाएगा, हाँ जाएगा। 27 पहाड़ा पढ़िए क्या जाएगा, हाँ जाएगा। तो यही 54 हो गया हमारा। अगर 54 में ना जाता तो उसका दो बार पहाड़ा पढ़ते, नहीं तीन बार पढ़ते तब तो जाता। तो इस तरीके से आपका 54 हो गया लासा। तो इस तरीके से लासा और मासा निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट कर देना, और इसी तरीके वीडियो हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कैलकुलेशन और ट्रिकी मैथ सोल्यूशन की वीडियो हम यहाँ पर लाते रहते हैं। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है और लाइक शेयर भी कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस भी कर देना। इस तरीके के हम ट्रिकी और सोल्यूशन लेकर आते रहते हैं। मैं कैलकुलेशन के लिए पर्सनल बहुत वीडियो डाल चुका हूँ, हमारे चैनल पर बहुत वीडियो है, कम से कम 300-400 वीडियो है, जरूर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एजुकेशनल पर्पस की वीडियो बनाता हूँ, जो एजुकेशन रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो जिसको मैं चैनल अलग करूँगा, मैं मोबाइल कंप्यूटर की, तो आपका सपोर्ट चाहिए, मैं उसको अलग करूँगा और बहुत बेसिक तरीके से मैं कंप्यूटर और मोबाइल को सिखाऊंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी, पूरी यूट्यूब पर मैं इस तरीके सिखाऊंगा ना, उस तरीके से कोई सिखाया नहीं होगा। मैं एक एक पॉइंट, एक एक ऑप्शन जो होता है ना, उसका पूरा डिटेल बताता चलूँगा। ओके, चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक क्या करना, कमेंट जरूर करना, अच्छा बुरा जो भी हो सके कमेंट, जरूरी है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, आपका सपना साथ चाहिए और आपका इस कमेंट का कुछ रिस्पॉन्स चाहिए। ओके, तो देख लीजिएगा।